जयंत चौधरी प्लीज। सभापति जी नहीं सुन सुन, आज मैं आई हैव गिवन प्रमोद जी नथिंग विल नॉट रिकॉर्ड, सम्मानित प्रमोद जी इट विल नॉट गो रिकॉर्ड। सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूँ। आपने मेरी ही नहीं देश की भावनाओं को व्यक्त किया सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया। बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं। लेफ्ट राइट सेंटर में ही बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे। मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं। चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया। महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, नैतिक उनके चरित्रिक गुणों को उन्होंने अपने अंदर समाया। इस सदन के माननीय सदस्य पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा जैसे इनकी राजनीतिक पहचान खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी की पहचान भी खेती और किसानी और कामगार से जुड़ी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी जी में एक करिश्माई शक्ति थी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, उसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी को सुनने के लिए, उनको छूने के लिए, उनको बेहतर तौर से समझने के लिए दूर दूर से गांव-गांव से लोग चले आते थे। और मैं ये भी मानता हूं 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। सभापति जी, हम लोग नेताओं को समझ नहीं पाएंगे अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे। कुछ लोग उनके अंदर भ्रम है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जाटों के नेता थे या सिर्फ किसानों की वकालत करते थे। ऐसा नहीं, वो विचारक थे और उनके इंटेलेक्चुअलिज्म पे जो टेरेंस जे बायर्स जो प्रोफेसर थे ओरिएंटल कॉलेज इन अफ्रीकन स्टडीज़ लंदन स्कूल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, उन्होंने किताब लिखी है चरण सिंह 1902 to 87 एन असेसमेंट। मैं उससे कोट करना चाहूँगा सर, चरण सिंह डिड हैव इंसाइसिव इंटेलिजेंस एंड ही अनडाउटेडली अप्लाइड इट टू अ कंटिन्यूइंग स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन उत्तर प्रदेश। जजमेंट ऑन वेदर ही वॉज एन इंटेलेक्चुअल ऑफ कोर्स टर्न्स टू वन डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। माई जजमेंट इज दैट ऑन द मोस्ट रिगरस डेफिनेशन चरण सिंह वॉज क्लियरली एन इंटेलेक्चुअल एंड नॉट ओनली दैट द मोस्ट अनयूजुअल वन। सर, जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूँ उससे दो बड़े काम हो जाते हैं। एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है, गाँव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है, देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए। दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया भारत रत्न देकर, हौसला बढ़ाया। मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है। और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्याएं हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता, लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूँ। ये बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं तो चाहता था कि क्योंकि चौधरी साहब
मेरे अकेले नहीं है, एक पार्टी की नहीं है। मैं अपील करता हूं कि उनके लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भी शक्तियां उनके साथ आई, जो भी नेता आज इस सदन में मौजूद हैं, उनके इस लेगेसी का हिस्सा वो भी हैं, जिम्मेदारी उनकी भी है। कोई वसीयत में कोई संपत्ति वो छोड़ के नहीं गए थे। आदमी तब तक जिंदा रहता है जब तक उनके विचार लोगों के बीच जिंदा रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दल के सम्मानित सदस्य गांव-गांव तक चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को ले जाएंगे। और मैं फिर अपने तरफ से ऋणी हूं, कहना चाहता हूं, एक जमीनी सरकार जो जमीन की आवाज़ को समझती है और बुलंद करना चाहती है, ऐसी ही सरकार धरती पुत्र चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे सकती है। धन्यवाद। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। नोटिसेज हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मेंबर्स टू रेज अ डिस्कशन ऑन